नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। मऊ जनपद में कोपागंज ब्लॉक के प्राथमिक उसूल के छात्रों के साथ पुलिस विभाग ने यातायात माह के दौरान जागरूक रैली निकाली। इस जागरूक रैली में लोगों को संदेश दिया गया कि तीन सवारी चलने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती है। लोगों को ये बताया गया कि बिना हेलमेट के सड़कों पर न निकलें, जिससे दुर्घटनाएँ कम होगी। मऊ की सड़कों पर आए दिन हो रहे दुर्घटनाओं को ये संदेश दे रहे हैं छोटे ननिहाल बच्चे। ये बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। ये हाथों में बैनर और झंडा लिए मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल का है। छात्रों के साथ पुलिस विभाग ने यातायात माह के दौरान जागरूक रैली निकाली। ये देखिए बच्चों की तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। ये कोपागंज की है, जहां बच्चों ने एक जागरूक रैली निकाली, लोगों को संदेश दिया कि किस तरह से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कानून का पालन करें सर, ये हेलमेट के लिए भी आश्वासन दिया गया क्या? हाँ, हेलमेट के बारे में भी बताया गया है कि दोस्त जब भी घर से निकलें, बच्चे अपने परिवार के लोगों को जागरूक करें, समाज के लोगों को भी जागरूक करें, जो जिसके पास हेलमेट नहीं है उसको सोचें, और अपने घर के जो भी सदस्य घर से बाहर निकलता है तो उसको अवश्य हेलमेट के बिना आगे न बढ़ने दें, और उनको बताएं कि अगर हम आप हमसे प्रेम करते हो या परिवार से प्रेम करते हो तो अवश्य हेलमेट लेकर के जाएं और सकुशल अपने रहें और अपने परिवार को। हेलमेट पहनकर नहीं आते तो इसके लिए आपके यहाँ क्या सजा का प्रावधान है? हमारे यहाँ तो सजा का प्रावधान है कि उसका चालान काटा जाए, वसूली किया जाए। तीन सवारी पर जी हमने अपने मातहत के लोगों से और अधिकारियों से ये